अगर आप भी शिखर धवन को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वर्ष 2021 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही शानदार रहा है, क्योंकि जहां उन्होंने उस वर्ष की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में फतह हासिल करके की थी, तो वहीं वर्ष के अंत में साउथ अफ्रीका के ऐतिहासिक मैदान पर एक बेहतरीन जीत हासिल करके की थी, जिसके बाद उनकी नजरें 2022 को बेहतरीन बनाने पर टिकी हुई है। और बीसीसीआई की टीम सिलेक्टर्स भी इस वर्ष में होने वाले पहले वनडे सीरीज के लिए अपनी तैयारी करते नजर आ रहे हैं, और इसकी तैयारी में उन्होंने ओडीआई टीम के सबसे धाकड़ ओपनर शिखर धवन की वापसी कराई है, जिसके बाद धवन काफी ज्यादा भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं शिखर धवन के वापसी के बारे में, लेकिन उससे पहले केएल राहुल और शिखर धवन में से आप किसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय टीम ने जब से साउथ अफ्रीका के दौरे की तैयारियां शुरू की थी, तभी से लगातार टीम में बड़े काफी बदलाव देखने को मिल रहे थे, और इन बदलावों के चलते भारतीय टीम में कई बड़े विवाद भी छिड़े थे, जिनमें सबसे बड़ा विवाद तो विराट कोहली और ओडीआई टीम की कप्तानी से हटाने का था। दरअसल 2021 के वर्ष में विराट कोहली ने टी20 विश्व कप के बाद भारतीय टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए साउथ अफ्रीका दौरे की शुरुआत से पहले रोहित शर्मा को टी20 टीम के साथ साथ भारतीय ओडीआई टीम की भी कप्तानी दे दी। और इस बात को लेकर बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और विराट कोहली में काफी बड़ा विवाद भी छिड़ गया था। तो यही उपकप्तान के रूप में टेस्ट टीम में शामिल हुए रोहित शर्मा इस दौरे की शुरुआत से पहले ही प्रैक्टिस सेशन में चोटिल हो जाने की वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे, और उम्मीद की जा रही थी कि वो वनडे सीरीज में कप्तानी के लिए टीम में जरूर शामिल होंगे। लेकिन 31 दिसंबर 2021 को बीसीसीआई के सिलेक्टर्स ने ओडीआई टीम के लिए 18 खिलाड़ियों के नाम की लिस्ट जारी कर दी थी, जिसमें रोहित शर्मा को फिट न होने की वजह से जगह नहीं मिली, और इसी वजह से भारतीय टीम के सबसे शानदार ओपनर बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन को एक बार फिर से टीम में शामिल किया गया है। और इसी वजह से शिखर धवन काफी भावुक भी होते हुए नजर आए, क्योंकि उन्हें टीम में फिर से वापस जगह बनाने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, और वो बहुत खुश भी हैं कि आखिरकार उनका इंतजार का फल काफी ज्यादा मीठा रहा है, क्योंकि उन्हें साउथ अफ्रीका जैसे शानदार टीम के खिलाफ बड़े मुकाबले खेलने के लिए टीम में शामिल किया गया है, और वो उन्हें मिली जिम्मेदारी का पूरा फायदा उठाते हुए भारतीय टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और एक बार फिर से साबित कर देंगे कि उनसे बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों रोहित शर्मा का टीम में शामिल न होना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन रोहित शर्मा पिछले काफी लंबे समय से लगातार कर रहे हैं, वो बहुत ही धुआंधार रहा है, और इसी वजह से उनकी कमी टीम को कमजोर बना सकती है। लेकिन शिखर धवन अगर अपनी वापसी का पूरा फायदा उठाते हुए शानदार प्रदर्शन करते हैं, तो इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम को हरा पाना साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय ओडीआई टीम के नए उपकप्तान केएल राहुल अपनी जिम्मेदारी निभाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।